फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए ये बात, रोहित मैंने तुझे धोखा दिया। नीता और रोहित के प्यार और दोस्ती की चर्चाएं सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर हैं। नीता और रोहित की दोस्ती दुनिया में मिसाल बन चुकी है। दोनों एक दूसरे से खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लोगों का कहना है कि नीता ने रोहित को धोखा दिया है और रोहित को छोड़कर किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली है। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नीता ने रोहित को छोड़कर किसके साथ एंगेजमेंट कर ली है और रोहित और नीता का आपस में रिश्ता क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं नीता और रोहित की लाइफ से जुड़े सारे सीक्रेट्स तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। नीता का फुल नेम नीता सिलिमकर है। 4 अप्रैल 1995 को मुन्नार केरल में एक बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्यारी बच्ची का जन्म हुआ जो सोशल मीडिया पर नीता सिलिमकर के नाम से फेमस है। नीता की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टार्टिंग की पढ़ाई उन्होंने केरल के एक प्राइवेट स्कूल से की और इसके बाद इनकी पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई और वहीं से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की। नीता की फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा एक भाई और इनकी सिस्टर्स हैं। नीता अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और इनकी फैमिली भी इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो अब बात कर लेते हैं नीता के स्टार्टिंग से करियर के बारे में। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग और डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक था और ये बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। नीता की जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो इन्होंने मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया और जब इन्हें टिकटॉक के बारे में पता चला तो इन्होंने टिकटॉक पर वीडियोज बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में इनकी वीडियोज पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता था लेकिन नीता वीडियोस बनाती रहीं और देखते ही देखते इनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगी और इनकी वीडियोस वायरल होने लगी और कम ही समय में नीता जानी मानी टिकटॉक स्टार बन चुकी थी। हर कोई नीता को जानता था और उनका फैन था। आगे वीडियो में बताएंगे रोहित और नीता कब और कैसे मिले, नीता ने रोहित को छोड़कर किसके साथ एंगेजमेंट कर ली है और किसके साथ रिलेशनशिप में आ गई हैं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, आपको नीता और रोहित की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बात कर लेते हैं रोहित की। तो रोहित का फुल नेम रोहित झुंझुरके है और प्यार से लोग इन्हें रिएक्शन बॉय के नाम से जानते हैं। रोहित का जन्म सूरत गुजरात में एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली में हुआ। इनकी फैमिली में इनकी मम्मी और इनकी सिस्टर है। रोहित अपनी मम्मी और सिस्टर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। रोहित अपनी मम्मी से जितना प्यार करते हैं उतनी ही नफरत अपने पापा से करते हैं। रोहित ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके पापा ड्रिंक करके उनकी मम्मी को मारते पीटते थे और बहुत ज्यादा परेशान करते थे। ये सब रोहित देखकर बहुत ही ज्यादा रोते थे। और रोहित की मम्मी दूसरों के घर पे काम करके अपने बच्चों की परवरिश करती थीं। रोहित जैसे ही समझदार हुए तो उन्होंने सेलमैन का काम करना स्टार्ट कर दिया और वो अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने लगे। रोहित को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था और रोहित जहाँ सेलमैन का काम करते थे वहीं किसी ने रोहित को टिकटॉक के बारे में बताया तो रोहित ने सोचा क्यों ना वो भी टिकटॉक पर वीडियोस बनाए। और फिर रोहित ने भी टिकटॉक पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग से ही लोगों ने रोहित की एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया और नीता ने जब रोहित की वीडियो देखी तो नीता को रोहित की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी तो नीता ने एक रोहित को मैसेज कर दिया और यहीं से होती है नीता और रोहित की दोस्ती की शुरुआत। जब रोहित ने नीता के मैसेज को देखा तो रोहित को यकीन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर ने मुझे मैसेज क्यों किया। उस टाइम नीता जानी मानी टिकटॉक स्टार बन चुकी थी। रोहित ने जब नीता के मैसेज को देखा तो तुरंत रिप्लाई किया और धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और कुछ टाइम बाद नीता ने रोहित को मुंबई आने को कहा तो रोहित नीता के कहने से मुंबई आ गए। फिर दोनों साथ में वीडियोस बनाते रहे और इनकी पहली ही वीडियो रातों रात तेजी से वायरल हो गई। नीता और रोहित की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि इनके फैंस उन्हें रिलेशनशिप का नाम देने लगे और उन्हें ये लगने लगा कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। रोहित और नीता की जोड़ी को इनके फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनके फैंस को इन दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद है।
आपको दोनों की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नीता और रोहित की हर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगी और देखते ही देखते दोनों जाने माने सोशल मीडिया स्टार बन गए। और अब नीता और रोहित के फैंस की कमी नहीं है, इनकी सोशल मीडिया पर मिलियंस में फैन फॉलोइंग है। तो अब बात कर लेते हैं नीता किसके साथ रिलेशनशिप में है और नीता ने रोहित को धोखा क्यों दिया। और फिर एक दिन नीता ने अपने रिलेशनशिप का रिवील कर दिया, वो भी किसी और के साथ। नीता और रोहित के फैंस शॉक्ड हो गए। नीता गुरदीप यानी ग्रे के साथ रिलेशनशिप में है जो कमाल के मॉडल हैं। गुरदीप लंदन में रहते हैं। नीता और गुरदीप का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस वाला है, इसीलिए दोनों ज्यादा नहीं मिल पाते। नीता और गुरदीप 3-4 साल से रिलेशनशिप में हैं। नीता ने पहले अपनी फैमिली को मनाया और जब उनकी फैमिली मान गई तो उन्होंने पब्लिक किया अपने रिलेशनशिप को। नीता ने जब अपने फैंस के बीच अपने रिलेशन को रिवील किया तो रोहित और नीता के फैंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद नीता ने रोहित को कन्वेंस किया, फिर एक वीडियो बनाया, उसमें बताया कि रोहित और नीता अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर कुछ लोगों का कहना ये है कि रोहित और नीता जब ये बात बता रहे थे तो रोहित के फेस के रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था कि रोहित खुश नहीं है। और रोहित आजकल बहुत ज्यादा सैड वीडियोस बनाते हैं और ये उनके फैंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या आपको लगता है रोहित नीता से प्यार करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब कुछ भी नहीं था मेरे पास तब वो थी साथ, आज क्या कुछ नहीं है मेरे पास पर वो नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। मुझे तो रोहित और नीता की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, पर अफसोस दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। आपको कैसी लगती है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ। दोस्तों मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग अपने सजेशन देंगे। थैंक यू गाइज़।